चैप्टर वन की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है हमारे चेन नाम के बंदे का सीन, जो हमारे इस मानुआ का बोले तो एमसी है, बोले तो मेन कैरेक्टर है। इसका नाम चेन है। ये कह रहा होता है अपनी आंखें खोलते हुए कि यार मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारा जब ये चेन कहता है, उसको बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है और वो कहने लगती हैं वो आवाज़ें कि यार इसको दफन कर दो। और एक बंदा कह रहा होता है भाई इसको जल्दी दफन कर दो। बात सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से बोली गई हैं। तभी जो हमारा चेन होता है उसका सीन दिखाया जाता है, उसकी बॉडी के आसपास येलो कलर का एक रिंग सा ओरा सा घूम रहा होता है। और जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस इतने समझ में आ रहा है कि कोई मेरे को दफन करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमको अगला सीन दिखाया जाता है, जो हमारा चेन होता है बिना आँख खोले ही अपनी बाहर का सब सीन देख पा रहा होता है। और इस स्टेज को बोलते हैं मरने से पहले की जो आत्मा होती है वो बोले तो बाहर हो जाती है बॉडी के, और वो अपने बाहर जो लोग बाहर की चीज़ें सब देख पा रही हो रही होती है उसकी आत्मा। और वो कह रहा होता है कि यार ये लोग कौन है, ये लड़की मेरे को कहीं जानी पहचानी सी लग रही है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैंने इसको कहीं देखा है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो आ जाएगी। तभी हमको दिखाया जाता है दो बंदे किसी बंदे के ऊपर मिट्टी डाल रहे होते हैं, और जिस बंदे के ऊपर ये मिट्टी डाल रहे होते हैं वो हमारा चेन होता है। और वो जो दो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इसको जल्दी से दफना दो, वरना किसी ने देख लिया तो इस लड़की के साथ हमारी भी वाट लग जाएगी। तभी हमारी वो जो लड़की होती है उसके पास एक ग्रीन हेयर का लड़का आता है, ग्रीन बालों वाला एक लड़का आता है, और वो कहने लगता है कि मिस आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी बातें तो हम रोज सेटलमेंट करवाते हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पर जो हमारी वो लड़की होती है वो कहने लगती है हाँ साले मैं तो ऐसे रोज बंदे लाती हूँ जिसको तू तो सेटल करवाता है ना। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं था। फिर हमारी वो जो लड़की होती है बकवास छोड़ जल्दी इसको दफन कर और यहाँ से मेरे को जाने दे। तभी हमको बताया जाता है ये जो लड़की है जिस लड़के को दफन करवा रही है बोले तो हमारे चेन को दफन करवा रही है वो इसका हस्बैंड है, और ये अपने हस्बैंड की मौत का तमाशा देख रहे दफन करवाते हुए, और इसको मजा आ रहा है। और ये कहने लगती है मैं इस जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ जो एकदम उल्लू टाइप का था। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है हारी कुतिया तेरा नाम तो क्या था कोई, हाँ तूने आज से कुछ दिन पहले जब तेरे को बवासीर हो रखी थी तब तूने मेरा ही याद करी थी और मेरे से ही शादी करी थी अपनी बवासीर दूर करवाने को, तब भूल गई मैं कौन था। तभी हमारा जो चेन होता है अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जिंग चैन है, तो मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में चैन बोला है, इसी कास्ट का नाम लेके बोल रहा हूँ मैं चैन, ठीक है। तो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है मेरी उम्र 18 साल है और मैं 8 गांव के अंदर एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे को किसी की भी अगर तुम पूछोगे ना चैन कौन है तो सब 8 गांव वाले क्या बोलेंगे वो एक मूर्ख आदमी है। और मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक बार ना घर से बाहर जा रहा था, बोले तो खाना पीना खाने के बाद बाहर टहलने को जा रहा था, तभी मेरे सामने कुछ गाड़ियाँ आके रुकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं जो गु परिवार के होते हैं, और वो सब मेरे को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं क्या तू हमारी मिस से शादी करेगा। तो मैंने भी मजाक में बोल दी हाँ करूँगा करूँगा। तभी उन लोगों ने मेरे को पकड़ा गाड़ी में डाला और अपनी लोंडिया बोले तो कोई इससे शादी करवा दी मेरी। और मैंने भी कि मेरे को फ्री में वाइफ मिल जाए तो क्या लेने में क्या हर्ज है मेरा, मैंने भी शादी कर ली। और शादी के कुछ दिनों के बाद मेरे को ये पता लगा कि ये जो लड़की है कोई इसने मेरे से इसलिए शादी करी है क्योंकि इसको एक बवासीर नाम की बीमारी है जो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकती थी, वो सिवाय एक पंडित ने बता दी थी कि चैन नाम के बंदे से शादी करवाओगे तो इसकी जो बवासीर है वो चली जाएगी। उस साले पंडित को मेरे को मिल जाए मैं उसको मार डालूंगा क्योंकि साले ने मेरे को फंसा डाला और मैं आज मर गया। क्योंकि मैं इसलिए मर गया, मैंने इस लड़की पर शादी भरोसा कर दिया था, मैंने तो बोला मेरी साले लाइफ सेटल हो गई, पागल होने के बाद भी मेरे को मूर्ख होने के बाद भी एक वाइफ मिल गई सुंदर सी मजे करने को, और मैंने मजे भी बहुत करे उस लड़की के साथ। पर एक दिन क्या करा उसने मजे में मुझे जहर पिला डाला खाने के साथ, और खाते ही साले मेरे मुंह से खांसी आने लगी, खांसी आने के बाद मेरे मुंह से खून भी आने लगा, और खून के आने के बाद मैं तो जमीन पे गिर गया। और ये साले इतने हरामी है गुप्त परिवार के लोग, इन लोगों ने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं मर चुका हूँ, इन लोगों ने चुपचाप मेरी बॉडी उठाई गाड़ी में डाला मेरे को यहाँ दफन करवाने को आ गए हैं। पर मैं आज तुमको एक बात बताऊँ कि जब मैं मरा था ना उससे कुछ देर पहले ही मेरे ऊपर आसमान से एक बिजली गिरी, और बिजली गिरते ही मेरे को एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो मेरी बॉडी को अपनी बॉडी बनाने के लिए आया हुआ होता है, और वो मेरी बॉडी को अपनी बॉडी बनाने वाला होता है। पर उससे पहले मैंने उसकी जो बॉडी की पावर थी वो सबके सब मैंने खींच ली, बोलते हो उसको मैंने खत्म करके उसकी सारी कल्टीवेशन पावर सब मेरे अंदर आ गई, और अभी मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं हूँ, भगवान की कृपा से अभी मैं होशियार आदमी बन गया, पावरफुल आदमी बन गया हूँ। बॉडी छोड़ी आ गई है, वो अभी आ जाएगी पर आई नहीं अभी, पर मैं इतना लिख के दे सकती हूँ ये जो गु परिवार है और ये कोई कुतिया है ना, इन दोनों लोगों से मैं गंदा वाला बदला लूंगा क्योंकि इन लोगों ने मेरी लाइफ को झंड करके रख दिया है। तभी हमको दिखाया जाता है हमारी जो कुई होती है वो किसी से कहती है ब्रदर कुई, ब्रदर बी करके किसी को बोलती है, सॉरी ब्रदर बी करके किसी लड़के को बोलती है, और ये जो लड़का होता है यही ब्रदर बी होता है, और ये कहने लगता है हाँ मेरी जान। तो जो हमारा ये ब्रदर
कुई बताया मैंने भी, कुई जो होता है इसका नाम हुआ क्या था, ब्रदर कुई। ये जो होता है ये हमारा डिंग फुंग ग्रुप है उसका ये एक मैनेजर है और अच्छी खासी पोस्ट पे है, पर हमारी चेन की नज़रों में एक कुत्ता है जो उसकी कुतिया वाइफ के पीछे पड़ा रहता था, उसके सामने भी और उसके मरने के बाद भी। और ये जो हमारी कुई होती है वो हमारे कुई ब्रदर कुई, सॉरी गाइज थोड़ा समझ जाना, मेरे बी बोल दूंगा इसको, ठीक है। हमारी जो कुई होती है वो बी से जाकर छिपट जाती है और बी जो होता है वो कहने लगता है हाँ मेरी जान आ जा गोदी में। और फिर जो हमारी कुई होती है वो कहने लगती है यार ये बात तो चलो ठीक है, हम लोग तो कर लेंगे, वो सब चीज़ करनी होगी, पर तुम यार मेरे से शादी कब करोगे, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी वरना मैं तो। पर जो हमारा बी होता है उसकी गर्दन पर चाटने लगता है, कहने लगता है यार तुम क्या दिक्कत कर रहे हो, अभी मेरी फैमिली में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं जिसके कारण अभी मैं शादी की बात नहीं कर सकता अपने घर में, पर तुम दिक्कत मतलब मैं धोखे देने वाले में से लोगों में से नहीं हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम दिक्कत मत लो। और जो हमारी वो कोई होती है वो कहने लगती है ब्रदर कोई आप ये क्या कर रही हो मेरे साथ, और भाई अभी भी समझ नहीं पाई ब्रदर बी क्या करना चाह रहा है, इसके साथ समझ जाओ, सब लोग समझ गए होंगे ये क्या करना चाह रहा है। और जो हमारा बी होता है वो पेंट वेंट खोल कर तैयार हो जाता है मुझे करने को, और कहने लगता है इस दिन का इंतजार मैं सालों से कर रहा था, तो भाई इस दिन का इंतजार कर रहा था भाई सालों से, मरने के बाद हमारी चैन के बाद अब ये करना चाह रहा है हमारी कोई के साथ। तो जो गाड़ी के अंदर पीके वाला सीन हो जाता है, गाड़ी हिलने लगती है, और कुछ देर के बाद हमको सीन दिखाया जाता है उस ग्रीन हेयर वाले बंदे से पीछे का, कि उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है, और जो हमारा ग्रीन हेयर वाला बंदा होता है वो कहने लगता है देख यार क्या मजे चल रहे हैं भाई, ये लोग भी मजे ले रहे हैं, बेशरम आदमी गाड़ी के अंदर कर रहे हैं, बाहर के लोग सब देख रहे हैं इनको ये क्या कर रहे हैं। पर हमको दिखाया जाता है जो हमारा चेन होता है वो उठ खड़ा होता है उस गड्ढे में से, और उसको देख के जितने भी लोग होते हैं उनकी सबकी पैरों के नीचे से जमीन लेकर गई होती है, क्योंकि भाई उन सबकी फट गई होती है, क्योंकि उन लोगों ने साक्षात भूत को देख लिया होता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये चैन नाम का बंदा बोलता हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका था, बट अभी उनके सामने जिंदा हो गया, और वो सबके सब भूत भूत चिल्ला के यहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों बी और बोलते कुई ये दोनों के दोनों जब अंदर से देखते हैं बाहर की तरफ कि हमारा जो चैन है वो उठ खड़ा हो चुका है, और वो इतना ज़्यादा डेविल टाइप का लग रहा होता है कि उसके पीछे से करंट भी आ रहा होता है, और हमारा जो चैन होता है उन लोगों से बड़े स्वैग से बोलता है कि यार मस्ते तुम लोग मेरे मरने का इंतजार भी नहीं कर सकते, तो उससे पहले ही मजे करने लगे। तभी जो हमारा बी और कुई होती है वो गाड़ी के अंदर से देखती है, और हमारी जो कुई होती है वो कहने लगती है कि आप मरे नहीं हो क्या अभी, तो हमारा जो चेन होता है वो कह रहा है हाँ हाँ ही मरने वाला हूँ बस। तो जो हमारा बी का कोल पकड़ता है हमारा चेन और गाड़ी से बाहर निकाल के जमीन पे पटकता है, और उसके अंडों पे लात मारता है और कहता है साले मेरी बीबी को मेरे सामने मजे कर रहा है अभी ले, और उसके अंडे का चूरमा बना देता है। और तभी बड़ी कृपी तरीके से देखता है हमारी कुई की तरफ और कहने लगता है मैं तेरे को कैसे भूल सकता हूँ कुत्ती साली, मेरे को मरने तो देती तभी मजे कर लेती। और जो हमारी कुई होती है उसकी तो फटके चार हो गई होती है, कहने लगती है मेरे साथ कुछ मत करना, मेरे को मत करो कुछ भी। तभी को अगला सीन दिखाया जाता है हमारा जो चेन होता है को किसी के ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है, और वो जिसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है वो हमारी बी और कोई होती है, और जो हमारा बी होता है वो कहने लगता है यार मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं पता था कि तुम अभी जिंदा हो, अगर जिंदा होते तो मैं तुम्हारे सामने कभी ऐसा नहीं करता। तो हमारी जो कोई होती है वो कहने लगती है यार मुझे तो माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे माफ कर दो, ये माता जी मुझे माफ कर दो। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है यो चेन तुम जैसन को तो नहीं छोड़ने वाला, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर इस हालत में तुम्हारी जो फोटो वोटो खींचूंगा और तुम्हारी जो फैमिली है उनको बर्बाद करने का नाम याद रखना मैं ही बर्बाद करूंगा। और धमकी देके वहां से चले जाता है और रिपोर्टर के साथ बुला लेता है, और कुछ ही देर के अंदर वहां फोटो वोटो भी खींचने लगती है। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है तुम लोग दिक्कत मत लो, तुम्हारी ये जो शादी है उसके लिए मैं तुमको मुबारक देता हूँ, बोलते हो खुशखबरी क्या जो भी मतलब बधाइयाँ देता हूँ, पर तुम इस समय को भी गिन लेना कि आज तुम्हें जो मेरे साथ करने की कोशिश करा है उसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा फ्यूचर में, और मैं तुम लोग को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये और हमको दिखाया जाता है हमारे चेन को, तो भाई लोगों इसका पूरा नाम जियुंग चेन है, तो मेरे को ये मत बोलना कि भाई तू इसका नाम जियुंग क्यों नहीं बोल रहा, चेन क्यों बोल रहा है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है मैं इसका नाम चेन ही बोलूंगा। तो जो हमारा चेन होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, बोले तो कल्टीवेशन के पोज में भी बैठा होता है, और पता नहीं लगता है कि ये जो बंदा है जिसको मैंने एब्जॉर्ब करा है उसकी यादों के मुताबिक इसका जो नाम है वो जियुंग त्यूनजिंग है। और इसकी यादों से मुझे एक बात और पता लगी है, ये जो जगह से आता है वहाँ पर डीमन और ऐसे जानवर रहते हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल है कि इस पूरी एरिया को तबाह कर देंगे, और वहां पर कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इस पूरी जगह को डोमिनेट कर सकते हैं अकेले ही अपनी पावर से। और ये जो बंदा है वो अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसका नाम नामचीन लोगों के अंदर में लिस्ट में आता था। और इसकी जो मैंने इसकी यादों से जो कल्टीवेशन सीखी है उसकी वजह से मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ रही है,
और मेरे को एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बट एक चीज़ का बहुत बड़ा घाटा हुआ। और घाटा तो मेरे को बता नहीं सकता, पर फ़ायदा मैं बताता हूँ। फ़ायदा मेरे को ये हुआ है कि मैंने इसकी जो आत्मा को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, पर इतना पावरफुल हो गया हूँ कि हाँ, मेरे को सब समझ में आ गया, मेरा दिमाग तेज हो गया है और मेरी बवासीर थी वो भी ठीक हो गई। इसको नहीं थी, पर मतलब इसके दिमाग में थी, वो सब ठीक हो गई। और फिर हमारा जो चेन होता है वो बताने लगता है कि हमने ना इसके जो आत्मा थी उसके अंदर से एक सील को अनलॉक करके इसकी जो इन्वेंट्री है उसको खोल लिया है। और खोलने के बाद मेरे को ये पता लगा है कि ये जो बंदा है ज्यूंग त्यूंजिंग, ये जो है ये असाधारण तकनीक रखने वाला, बोल दो इनलीगल तकनीक, ऐसी तकनीकें जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसके पास ऐसे ऐसे इलाज हैं, ऐसे ऐसे कौशल है, जो मतलब टैलेंट है, और इसके पास जादू तो भर भर के है, और इसके पास ऐसी ऐसी क्या कहते हैं कल्टीवेशन के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर ये बहुत ज़्यादा कम है, इनफ नहीं है मेरे लिए। मेरे को कुछ ही दिन में मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे भी अब कल्टीवेशन शुरू करूंगा। और मेरे को एक बुक से ये पता लगा है जो कल्टीवेशन शुरू करना है ना, उसके लिए तुमको पहले ना क्या कहते हैं आत्म ऊर्जा को महसूस करना पड़ता है। और जो आत्म ऊर्जा होती है वो हमको नेचर से मिलती है, कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, पर हमको एब्जॉर्ब करना होता है। फिर हमको अगला सीन दिखाया जाता है, जो हमारा चेन होता है वो सुबह सुबह उबासी लेते हुए बोलने लगता है कि यार कुछ भी क्यों, रात में सोने का एक अलग ही मज़ा आता है और दिन में उठने का एक अलग ही मज़ा आता है। पर मेरे को ये बताओ, ये बंदा तो कल्टीवेशन के मूड में बैठा था, बट ये सो के क्यों उठा, लगता है ये नशेड़ी है। फिर वो हमको बताने लगता है कि हमारा जो चेन होता है वो बताने लगता है कि मैंने इस जगह पे रात भर ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को ये आत्म ऊर्जा है उसको महसूस करना मैं सीख गया हूँ, और महसूस करने के बाद मेरे को ये पता लगा है अभी मैं कहीं से भी नेचर में महसूस करके बता सकता हूँ कि यहाँ पर आत्म ऊर्जा है कि नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत पतली, इस माउंटेन एरिया पर बहुत पतली एक आत्म ऊर्जा है जो इनफ नहीं है, ठीक है। फिर हमारा जो चेन होता है वो अपनी मुट्ठियों को रिगड़ते हुए बोलने लगता है, पर साला कुछ भी क्यों, भगवान की कृपा से भी मैं बच गया हूँ, और बचने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा ना कि साला किसी ने जी नहीं होगी। फिर हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारे चेन का घर का, जहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं हमारे चेन के पेरेंट्स को डराने के लिए, और मांग रहे होते हैं 1,00,000 UN। अभी ये क्यों मांग रहे होते हैं, क्योंकि इसलिए मांग रहे होते हैं जो हमारे चेन का परिवार है उसने 1,00,000 UN ले रखे थे। अब UN चाइना की करेंसी है, तो अभी मेरे को मत बोलना हमारे इंडिया में कितने होंगे, अब मेरे को नहीं पता, बस ये मान लो 1,00,000 हमारे यहाँ के हैं बस। तो जो हमारे वो पेरेंट्स होते हैं, और बोले तो हमारे चेन के पेरेंट्स होते हैं और उसकी सिस्टर होती है, वो सिस्टर होती है अपने माता पिताओं को अपने हाथों से सेव करते हुए कहने लगते हैं कि यार मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पैसा भर दूं। पर जो हमारा वो बंदा होता है वो बॉस, वो कहने लगता है यार देखो पैसे पैसे तो थोड़ी ना भरे जाते हैं, कभी कभी शरीर से भी भर दिए जाते हैं। अभी तुम समझ गए इसका मतलब, कहने का कि साला ये ठरकी है, हमारी चेन की बहन का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है, कहने लगे चलो बेबी कहीं चलते हैं। और तभी उसके मुंह पे एक घुटना लगता है और कहता है हाँ साले अभी मैं तेरे को पहुंचाता हूं आत्मा के, ओ सॉरी भगवान के पास। तभी उसका मुंह पे घुटना पड़ता है, वो इतनी तेज जाके गिरता है, जमीन पे एक टप्पा खाता है, फिर आसमान में दोबारा उड़ के फिर एक और टप्पा खाता है। और जो हमारी चेन की बहन होती है वो अपने भाई को देखते हुए बोलती है भैया आप आ गए। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की, साले तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या। और जो हमारे चेन के माई बाप होते हैं, बोले तो पेरेंट्स होते हैं, वो सब के सब लोग देख के, बुढ़ा परिवार उसका देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके लोंडे ने जो पागल था उसने एक ऐसा घुटना मारा जिसके कारण जो बंदा था वो दो बार टप्पे खा के आसमान में घर पे छत पे जाके लगा। फिर हमारा जो चेन होता है उन लोगों ने हमारे चेन को घेर लिया होता है चारों तरफ से नहीं, तीन ही लोग थे, तीन तरफ से घेर लिया होता है। और कहने लगता है दोनों बंदे कहने लगते हैं नीले बाल वाला और येल्लो बाल वाला कि भाई देखो इसको ना मार डालते हैं पर। और एक बंदा कह रहा होता है यार इसको पीट पीट के मार डालते हैं, बात साला सेम ही है बस थोड़ा घुमाने के लिए बात कर रहा है। तभी जो हमारा चेन होता है पता नहीं कहां से एक डंडा निकाल लेता है, शायद अपनी इन्वेंटरी से निकाल लिया होता है उसने डंडा। और डंडा निकालने के बाद बड़े स्वेग से बोलता है साले आ जाओ, और साले जितने भी हो सब साथ में आना, सबके साथ में बीट बजाऊंगा। तभी जो हमारा येलो वाला बंदा होता है वो अपने बॉस से बोलने लगता है कि यार देखो बॉस यार भी कोई रास्ता नहीं है, हमको लोगों को इसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि मारने के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं, और वैसे भी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा क्योंकि हमने पागल को मारा है, बोले तुमने समाज सेवा कर दिया। पर जो हमारा वो बॉस होता है वो कहने लगता है साले तुम्हारे सामने जब इसने मेरे खोपड़ी पे घुटना मारा अपना तब तो मेरा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अभी तुम साले क्या समझो उसका पावर बहुत ज्यादा है। पर तू यार जुमचैन ये मत समझना तू एक पागल है, तो मैं तेरे पे पैसे छोड़ दूंगा और तू बहुत ज्यादा पावरफुल है इसमें छोड़ दूंगा, साला मैं पैसा फिर भी लूंगा, मैं कानून की मदद लूंगा, पर तेरे पे केस ठोकूंगा अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया मैं। फिर जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है अरे तू दिक्कत क्यों ले रहा है, तेरा पैसा मैं भरूंगा ना, सिर्फ पैसे की तो बात है मैं सब भर दूंगा तू दिक्कत मत ले। पर जो हमारी चेन की मदर होती है वो हमारे चेन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है बेटा तू जानता नहीं हमने 1,00,000 UN की मस्ती मारी है, मस्ती तो नहीं मारी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी बट मैंने
ने कह दिया मस्ती मारी तो उसको इग्नोर करना। पर जो हमारी चेन की मदद होती है वो कहने लगती है यार 1,00,000 UN है तू कहाँ से भरेगा, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं बेटा। तभी जो हमारा चेन होता है उसे कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी मोम के बोलने लगता है कि मोम आपको डरने की बात नहीं है, मैं पैसा कमा लूंगा और इसका सारा पैसा भर दूंगा। पर जो हमारा वो तीनों बंदा होता है वो बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं यार तू क्या समझ रहा है, तीन दिन देता हूँ तेरे को मैं, 1,00,000 UN भरने का है तेरे को, अगर नहीं भरा ना तो तेरे घर में घुस के जो मैं करने वाला हूँ तो उसके लिए पछताएगा, और तेरी जो ये बीन है मैं इसको जेल में भिजवा दूंगा और पुलिस वुलिस से पकड़वा दूंगा, समझ ले तू। तभी जो हमारा चेन होता है अपनी लाठी को अपने कंधे पर रखते हुए बोलता है सालों को डराते हुए कि सालों तुम लोग कि मैंने जब बोला ना मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा पैसा भर दूंगा तो भर दूंगा, तो साले अभी बकवास पहनने का नहीं, चुपचाप यहाँ से निकल, चाल पहली फुर्सत से निकल। तभी जो हमारा बंदा होता है अपने दांतों को रगड़ते हुए बोलता है साला कबाड़ मेरे को इस तरीके से बात करते हुए बोल रहा है। तभी जो हमारा वो तीनों बंदे होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। पर जो बॉस होता है वो जाते समय यार चेन से बोलता है साले तू दिक्कत मत ले, अगर तूने पैसे नहीं भरे और आखिर तू पागल हो गया दोबारा से तो ये दिक्कत मत ले, तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा मैं थाने में, तो बाद में पहले अपने घर पे बंद करूंगा। पर जो हमारा चेन होता है वो कहने तो कुछ वाला नहीं होता है, पर हमारी जो चेन की बहन होती है वो कहने लगती है भैया यार मेरे को उस कबाड़ी के साथ नहीं जाने का है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जैसे वो कर के हम लोग को जा रहा है वैसा मेरे को कुछ भी नहीं करना है। पर जो हमारा चेन होता है वो अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है यार तू चिंता क्यों कर रही, मैं ऐसा कुछ आने भी नहीं दूंगा मौसम जिसकी वजह से तेरे को ऐसा करना पड़ा, पर तू मेरे को ये बता हम पे इतने ऐसा कर्जा कैसे हो गया। तभी जो हमारी चेन की बहन होती है वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि मैंने नहीं अय्यासी तो नहीं करी, पर उसने मतलब बताने लगते हैं कि हमारे जो जब आप गो परिवार के अंदर चले गए थे तब हम लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर उन लोगों ने तुमसे हमारा कॉन्टेक्ट होने नहीं दिया, फिर हम लोगों के हमारा जो गुस्सा आ गया था थोड़ा हम लोगों को, और हमारे गुस्से के कारण जो हमारे फादर थे बोले थे हमारे पापा उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया था और बीमार हो गए थे, जिसके कारण हम लोगों को 3,000 UN लेने पड़े इस बंदे से, और वो हमारे जो 3,000 UN थे वो हमारे 1,00,000 UN हो गए, ये हमारी चेन की मदद बताती है। और 1,00,000 UN होने के बाद हम लोग उसको भरने में असमर्थ हो गए और उसके कारण वो हमारे घर पे आ गया और ज़बरदस्ती करने लगा हम लोगों को, मारने पीटने के लिए आया था यहाँ पर। और फिर हमारा जो चेन का फादर होता है वो कहने लगता है यार अगर मैं ठीक होता अगर मेरा शरीर बढ़िया होता तो मैं ऐसी नौबत कभी आने नहीं देता। पर जो हमारा चेन होता है अपने मोम डैड के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है आप लोगों को घबराने कोई बात नहीं है, मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा, अब मैं परिवार की देखभाल कर सकता हूँ और मैं करूँगा अभी, अब आपका इलाज भी होगा और आपका सब कुछ होगा। तभी जो हमारे चेन का फादर होता है वो बोलने लगता है क्या कितना बेवकूफ़ बच्चा है, तो पैसा कहाँ से कमाएगा, तू कहाँ से कमा लेगा, तो बेवकूफ़ है तेरा तो खुद का इलाज करवाना है मेरे को, तू मेरा इलाज क्या करवाएगा भाई। यहाँ पर बहुत अच्छी वाली बात मार दी हमारे चेन के फादर ने, बिल्कुल परफेक्ट। वेलकम बैक टू मानुआ जैन। तो भाई लोगों चलिए बिना किसी बच्चों को देखे शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है जो हमारा चेन होता है उसका चेन का फादर होता है ना वो हमारी चेन से बोलने लगता है कि बेवकूफ बच्चे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद का इलाज नहीं करवा लेता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसके मारे तो नहीं करवा पा रहा हूँ। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है फादर आप पैसे पैसा करते रहते हो, पैसा पैसा करके आपने इतना ज़्यादा कर्जा करवा दिया कि अभी मेरे को भी भरने में दिक्कत होगा, पर आप दिक्कत मत लीजिए मैं फ्री में आपका इलाज कर दूंगा। और जो हमारा चेन होता है वो ओम क्लीम ब्लीम भाग करके कुछ मंत्र भोगता है और उसके बाद हमारा जो चेन का फादर होता है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। फिर वो भी चेन का फादर होता है वो भी कहने लगता है यार मेरे को सच में बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस हो रहा है, और कुछ ही देर में वो बिल्कुल ही एकदम परफेक्टली फाइन हो जाता है और कहने लगता है यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अचानक से मैं बहुत 10 साल छोटा हो गया हूँ और मेरी जो बीमारी है वो भी लगता है ठीक ही हो गई है। और ये चीज़ देख के हमारी चेन की मदर और सिस्टर होती हैं वो भी कहने लगते हैं कि फादर आप तो सच में ही बहुत ज़्यादा जवान से लग रही हो, जवान से लग रही हो और आप तो सच में अच्छी लग रही हो। और कुछ ही देर में जो हमारी चेन की मदर होती है वो चेन के पास आकर कहने लगती है कि बेटा क्या तुम अब बेवकूफ़ नहीं रहे कि तुम्हारे अंदर दिमाग आ गया है क्या। तो हमारा जो चेन होता है इस बात को सुनने के बाद कहने लगता है कि मदर मैं आपको कुछ ही दिन में सब सच बता दूंगा बट अभी सही समय नहीं आया है। और कुछ ही देर के अंदर हमारा जो चेन होता है वो अपनी मदर और सिस्टर को अपने सामने खड़ा करता है और उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोगों की जो बीमारी है वो बोले तो फुल फॉर्म में बवासीर है उसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ। और फिर से वही मंत्र भूखता है और कहने लगता है ओम क्लीम ब्लीम भाग।
और कुछ ही देरी के अंदर वो लोगों की बीमारी चेक करके कहने लगता है कि यार तुम लोगों को तो बिल्कुल ही बवासीर नहीं है, तुम लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हो, बोले तो फाइन हो एकदम, पर कुछ दिन के अंदर हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं तो कपड़े वपड़े खरीद लेना। ये तो नहीं कहता पर मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। फिर हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारे रेंक हाउस ग्रुप का, जहाँ पर ये जो रेंक हाउस ग्रुप है ये कियान चोन शहर के अंदर स्थित है और ये दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल दवाइयों की कंपनी है और ये देश भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारे गु परिवार की, जो गु परिवार है उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इन दोनों कंपनी के बीचों में बहुत सालों से कॉम्पटिशन चल रहा है जिसके कारण दुश्मनी बनी हुई है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही होता है हमारा चेन और कहने लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है अपन का। और कुछ ही देर में हमको दिखाया जाता है एक लड़की का सीन जो कह रही होती है सोचते हुए कि आपको हमारे चेयरमैन फेंग से मिलने का है पर वो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और कुछ ही देर में हमारा जो चेन होता है वो भी आ जाता है, वही उसी ने बोला होता है वैसे तो, और वो कहने लगता है क्या तुमको कोई समस्या है, मैंने तो बस उससे वो तुम मेरा नाम लेना वो तुरंत मुझे बुलाएगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे का जिसका नाम वैंग वांग होता है वांग और वो आने के बाद कहने लगता है कि तुम गुरु गु परिवार के वही बेवकूफ दामाद हो ना जिसका नाम जूंग चैन था। हाँ वो कहता है हाँ मैं वही हूँ। तभी अगले सीन में हमारी वो लड़की होती है वो भी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है जूंग वांग ये क्या वही है। तभी जो हमारा वांग होता है वो कहने लगता है जू लाओ ल्यू तुम इस बंदे से सावधान रहना क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसने ना एक नानी को छेड़ दिया था। अब मेरे को ये बताओ कोई यार कितना जमान बंदा किसी नानी को क्यों छेड़ेगा, बुड्ढी को क्यों छेड़ेगा भाई, पर ये भाई चाइना यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर हमको दिखाया जाता है जो हमारा वांग होता है वो कहने लगता है ये गु परिवार का बेकार सा दामाद है इससे दूर ही रहना, ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को छेड़ने में मशहूर है। तभी जो हमारी लड़की होती है वो चिपक जाती है उस बंदे से और कहने लगती है वांग मैं इसको अंकल ही बोल देता हूँ, साला बुढ़ा है और लड़की ऐसे चाक के जैसे जवानी हो। फिर हमारा जो वांग होता है वो कहने लगता है कि यार तुमको डरने की बात नहीं है मैं यहाँ पर हूँ तो ऐसे जो ये मुस्टंडे हैं ना बेफालतू के जो लड़कियों को छेड़ते हैं उनकी वाट लगा दूंगा मैं। और जो हमारा वांग होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है हमारे चैन पे कि बेवकूफ तूने सुना नहीं मैंने तुझे जाने को बोला यहाँ से चल भाग यहाँ से। फिर हमारा जो चेन होता है फिर भी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर अड़ा ही रहता है। कुछ ही देर में वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं क्या बच्चे तुझे सुनाई नहीं दिया, हमारे बॉस ने बोला यहाँ से निकल जा तो निकल जा। और एक बंदा बोलने लगता है लगता है इस बेवकूफ की बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है, लगता है इसके बाद दिमाग यूज़ कर रहा है अपना बेवकूफ। और हमारा जो चेन होता है इस बात को सुन के उसी बंदे पर चार्ज हो जाता है और कहने लगता है साले वो कास से ज़्यादा नहीं बोलने का और उसको एक वैसा फटका देता है जिसके कारण वो एकदम बवासीर बन जाता है और दूर जाके गिरता है। और दूर जाके गिरने के बाद हमारा जो चेन होता है बड़े स्टाइल से बोलने लगता है किसी और साले को इस साले की तरह मरना है तो बाहर को आ जाओ या फिर मेरे को लड़ने को आ जाओ। और हमारे जो बंदे होते हैं उनमें से दो बंदे दूसरा और तीसरा वो चिल्ला के बोलते हैं हमारे चेन पे कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को मारने की। और हमारा जो चेन होता है वो कहने लगता है जैसे उस साले की मेरे पे हिम्मत हुई मारने की वैसी मेरी हिम्मत हो गई उसको मारने की और कहने लगता है अगर तुम लोगों को भी अपनी मौत चाहिए तो मेरे पे अटैक करो। पर हमारा जो चेन होता है वो उन्हीं लोगों पे पहले अटैक कर देता है, उनमें से एक बंदा आता है उसको रोकने के लिए पर जो हमारा चेन होता है उसके सर में डंडा मारता है और दूसरे के घुटना मारता है पेट में और तीसरे को तो लाठी उठा के फेंक देता है दूर जिसके कारण जितने भी बंदे होते हैं सबके सब दूर जाके गिरते हैं। अब ये चीज़ देख के हमारे जो बांग होते हैं और वो जो लड़की होती है वो दोनों के दोनों चिल्ला के बोलने लगते हैं अरे यार ये कैसे हो सकता है, कोई अकेला बंदा इतने सारे बंदों को कैसे मार सकता है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे जो चेन होता है उसने सभी बंदे का गेम बजा दिया होता है और एक के ऊपर लात धर के खड़ा हुआ होता है वो इसके पिछवाड़े पे। फिर हमारा जो चेन होता है वो कहने लगता है कि यार अभी मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा मुझे फांगडर ली से मिलना का है। और कुछ ही देर के अंदर वो हमारा जो चेन होता है वो एक बंदे के सामने जाके खड़ा होता है और वो जो बंदा होता है वो कहने लगता है यार तुम मेरे से दूर रहो मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वो जो हमारे जो चेन होता है वो फिर से बोलने लगता है कि यार मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े मुझे तुम्हारे चेयरमैन फांगडर ली से मिलने का है। और हमारी जो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलने लगती है, हंसते हुए तो नहीं बोलते तो डरते हुए बोलने लगती है कि यार मैं कर रही हूँ ना फोन मिला देती है और फोन और चेयरमैन से कहने लगती है कि चेयरमैन आप से यहाँ पर कोई मिलने को आया है और वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी कर रहा है तो आप क्या उससे मिल सकते हो। हमारा जो चेयरमैन होता है कहने लगता है चलो ठीक है मैं मिल लूंगा उससे और जो हमारा चेन होता है वहां से चले जाता है और जाने के
और जो हमारा बांग होता है वो पीछे से बोलने लगता है कि साले अगर तू मेरी लड़की के सामने बेइज्जती कर रहा है तो इसका ये मतलब सोचियो कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं साले तुझे पनिशमेंट दूंगा बहुत गंदी वाली। और जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है चल ठीक है साले देख लेंगे, और वो लिफ्ट के अंदर हमारा चेन घुस जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो 16वें फ्लोर पर पहुँच जाता है। और बाहर आते ही देखता है कि उसको एक लड़की रिसीव करने को आई होती है, और उसको देख के हमारा जो चेन होता है वो कहने लगता है ये तो साली बॉम्ब फिगर है। और जो हमारी वो लड़की होती है जिसको मैं बॉम्ब फिगर बोलूँगा वो भी बोलने लगते हैं कि श्रीमान जियोंग आप ही हो क्या? हमारा जो चेन होता है वो भी कहने लगता है हाँ मैं ही जियोंग हूँ और मेरा दूसरा नाम चेन भी है तो कॉल मी चेन। तो हमारी जो लड़की होती है वो कहने लगते हैं कृपया आप मेरे पीछे आइए और मेरे को फॉलो करिए। हमारा जो चेन होता है वो उस लड़की को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते हुए उसके बाम फिगर को देखता है और कहने लगता है क्या माल है रे, क्या फिगर है रे, इसका तो शरीर बहुत ज़्यादा मस्त रे। और कहने लगता है पर अफसोस की बात यह है कि इसने जो स्कर्ट पहनी है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि उसके अंदर इसकी जो चेडी है वो भी दिख रही है। और हमारी जो लड़की होती है वो एकदम से धुलनी धुलनी दिखाई देने लगती है हमारे चेन को, बोले तो उसका बाम पिगर। और उसको देख के हमारा चेन होता है वो अपनी आँखों को रिगड़ने लगता है और कहने लगता है कि यार अचानक से मेरे को इतना ज़्यादा कैसे धुलना धुलना दिखाई देने लगा। और कुछ ही देर में उसको बहुत ज़्यादा ही साफ दिखने लगता है, इतना ज़्यादा साफ दिखने लगता है कि वो जो लड़की होती है उसके जो कपड़े होते हैं वो भी दिखना ही बंद जाती है और सिर्फ उसकी बॉडी दिख रही होती है जो बिल्कुल नेकड होती है। और उसको देख के हमारा जो चेन होता है वो कहने लगता है क्या जियोंग टिनजू की ये भी एक खासियत थी कि वो ऐसी चीजें भी देख सकता था ट्रांसपेरेंट करके। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो लड़की होती है हमारे चेन को उस ऑफिस के पास ले आती है जिसके अंदर चेयरमैन बैठा हुआ होता है और हमारे चेन से बोलती है कि अरे पीछे देखते और कहती है हमारे चेन से कि अरे आपको क्या हुआ, आपकी नाक से इतना ज़्यादा खून क्यों आ रहा है? तभी जो हमारा चेन होता है अपनी नाक से खून पूछते हुए कहने लगता है अरे नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे ही बस आ गया था, यही है क्या फेंग डाकडी का ऑफिस? तभी हमारी वो लड़की कहती है हाँ यही है। फिर हमारा जो चेन होता है अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने पे हमारा जो वो चेयरमैन होता है उससे कहने लगता है डिप सिंग हाँ पता नहीं क्या बोलता है, वो भी बोलता है मस्ती में बोलता है, कहने लगता है तुम तो वही मूर्ख दामाद हो ना, लेकिन तुम मुझे कहीं से भी एक मूर्ख नहीं लग रहे, तुम क्या शातिर प्लेन वाले हो क्या जो तुम अपने आप को मूर्ख दिखाते हो और सबके सामने मूर्ख बनते हो पर असलियत में तुम मेरे को बहुत ज़्यादा होशियार लग रहे हो। तो चैप्टर 3 की एंडिंग के अंदर हमने जैसे देखा था जो हमारा जियोंग था वो हमारे चेयरमैन के ऑफिस के अंदर आ जाता है और आने के बाद उससे बोलने लगता है कि यार मेरे को तुमसे कुछ काम है। और हमारा जो चेयरमैन होता है वो हमारी चेन की बात सुनने से पहले उसके ही बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि यार मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे कि रूमर्स ये भी कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा पागल आदमी है और एकदम बेवकूफ़ है, बट तेरे को देख के मुझे कहीं से भी तू एक बेवकूफ़ नहीं लग रहा है, क्या तू अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है क्या? तो जो हमारा जियोंग होता है वो कहने लगता है कि चेयरमैन वो बात मत कर, वो सब बात बाहर में गई तेल लगाने को, बट मैं तेरे से सिर्फ मुद्दे की बात करने को यहाँ पर आया हूँ, वो ये है कि अगर तेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बोले तो गु परिवार से जीतने का है और कियान च्यून शहर के अंदर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी बनने का है तो तेरे को मेरी की जरूरत पड़ेगा और मेरी जरूरत से ही तू यहाँ का नंबर 1 कंपनी बन जाएगा। तभी जो हमारा चेयरमैन होता है वो ये बात सुन के अपने माइंड में ही बहुत तगड़े तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है हंसते हुए कि यार तू मेरे को यहाँ का नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बना के देगा, चल बे। हाँ हंसने लगता है हमारे जियोंग के ऊपर और जो हमारा जियोंग होता है वो कहने लगता है कि साले ज़्यादा मत ना हंस, मुझे चुपचाप 1 घंटे का समय दे और साथ में अपनी लेबोरेटरी मेरे को उधार दे दे। तभी जो हमारा चेयरमैन होता है वो कहने लगता है कि यार तेरा एटीट्यूड देख को मेरे को तेरे ऊपर भरोसा करने का मन कर रहा है, चल ठीक है मैं तेरे को दे दूंगा। तभी जो हमारा जियोंग होता है वो कहने लगता है चल ठीक है यार तू वो मुझे दे ही रहा है, उसके साथ मुझे 1,00,000 यूएन चाहिए जो दवाई मैं तुझे बना के दूंगा उसके बदले। तभी जो हमारा चेयरमैन होता है वो उसके ऊपर हंसने लगता है और कहने लगता है चल ठीक है गरीब मैंने तेरे को वो भी दिया, अभी तू मेरे को ये बता तू मुझे बना के क्या देगा। तभी जो हमारा चेन होता है उससे कहने लगता है दवाई वे। तभी हमारा जो चेयरमैन होता है वो अपने सेक्रेटरी को बोले तो उसी लड़की को जिसका नाम जियो होता है उसको बुलाता है और वो जो जियो होती है वो अंदर आने के बाद कहने लगती है कि चेयरमैन आपने मुझे बुलाया क्या? तो हमारा जो चेयरमैन होता है उसको कहने लगता है हमारे चेन को ले जाके बोले तो जियोंग को ले जाके उसको लेबोरेटरी दिखा दो। तभी जो हमारी वो जू होती है वो कहने लगती है ठीक है मैं दिखाने ले जा रही हूँ इसको और
और ले जाती है हमारे ज्यूंग को और कहने लगती है कि श्रीमान ज्यूंग, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी बोले तो चेकिंग होगी, और चेकिंग के अंदर आप पे अगर कोई वेपन निकला जाएगा तो आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। पर जो हमारा ज्यूंग होता है वो कहने लगता है चल ठीक है बकवास काम पे लो, और ठीक है कह के उस मशीन के अंदर बोले तो चेकिंग के लिए चले जाता है। और ये सब चीज़ हमारे चेयरमैन अपने लैपटॉप में बैठ के देख रहा होता है और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये जो बंदा है मुझे बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फिर भी मेरे को इसको वरेसा करने का मन कर रहा है क्योंकि इसकी बातें बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, तो मैं मेरे दुश्मन से एक बार देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो हमारा वो चेयरमैन होता है ये सब चीज़ देख लिया होता है लैपटॉप में, कह रिया होता है कि ये जो भी मेरे से प्लानिंग बनवाने को प्लानिंग से मुझे यहाँ पर जो भी करने को आया है हाम वाम वो देख लिया जाएगा। और कुछ ही देरी में जो हमारी वो सेक्रेटरी होती है वो भी आ जाती है और कहने लगती है कि चेयरमैन महोदय, आपने इसको कैसे यहाँ पर एक मौका दे दिया, ये तो हमारा दुश्मन है ना। पर जो हमारे वो चेयरमैन होता है वो कहने लगता है यार क्या माल है, और वो चीज़ चुनके हमारी जो सेक्रेटरी होती है उन कहने लगती है क्या क्या कह रही हो आप, अभी ये पागल की समझी नहीं कि अपने बड़े बड़े अरमान दिखा रही है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है हमारे ज्यूंग चैन का सीन, और जो लेटा होता है लेबोरेटरी में बोले तो सोने लगता है, और सोते सोते उसको पूरा एक घंटा बीत जाता है। और ये सब चीज़ हमारे वो चेयरमैन और सेक्रेटरी देख रही होती है, और सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन से कहने लगते हैं कि महोदय आपको क्या लगता है ये हमें क्या बना के देगा, ये तो कई देर से सो रहा है। और ये बात सुन के हमारा जो चेयरमैन होता है वो कहने लगता है मैं भी देख रहा हूँ ना, तो तुम भी चुपचाप क्यों नहीं देख लेती, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के बाद हमारा चेयरमैन अपने ही मन में हंसने लगता है, कहने लगता है मेरे को इस बंदे से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं क्योंकि इसका एटीट्यूड मेरे को पसंद आया। और ये बात सुन के हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारे चेन का, जो अंगड़ाई लेते हुए एक घंटे के बाद उठता है और कहने लगता है चलो यार बहुत ज़्यादा दिनों के बाद एक अच्छी नींद आई। और उसके बाद वो एक क्या कहते हैं टेक्स्ट ट्यूब को पकड़ता है और कहने लगता है कि यार अब थोड़ा सा काम करने का समय आ गया है। और वो खड़े होते ही अपनी कुर्सी से इधर उधर अपनी मारना बोले तो कल्टीवेशन पावर की वजह से स्पीड में भागने लगता है, और भागते भागते अपने हाथों में माना इकट्ठा करके सब टेस्ट ट्यूब में दवाई मिलाने लगता है। और ये सब चीज़ हमारे सेक्रेटरी और चेयरमैन देख रही होती है अपने लैपटॉप के अंदर और कहने लगते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है और ये क्या दवाई बनाने का कोशिश कर रहा है क्या। और ये बात सुन के हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारे चैन ज्यूंग का, बोलो चैन भी बोल देता हूँ ज्यूंग भी बोल देता हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो हमारा ज्यूंग होता है वो अपने हाथों में माना रिलीज करते हुए उस टेस्ट ट्यूब में डालने लगता है, और कुछ ही देरी के अंदर उनका जो चेयरमैन और चेयरमैन जिस लैपटॉप में देख लिया होता है उस लैपटॉप के अंदर पूरे में रोशनी फैल जाती है और उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। और कुछ ही देरी के अंदर हमारा जो चेन होता है अपने हाथों में वो दवाई लेते हुए उन लोगों से बोलने लगता है कि यार अब मेरे को बाहर निकाल दो यहाँ से, मैंने दवाई बना दी है। और हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारे चैन का जो दवाई लेके अपने चेयरमैन के सामने आ जाता है और उसे दवाई दिखा देता है, और चेयरमैन पूछने लगता है ये किस चीज़ की दवाई है और मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, ये उसी चीज़ की दवाई है जिस चीज़ ये तुमने बनाई है। अब ये बात सुन के हमारा जो चेन होता है उससे कहने लगता है कि यार देखो मेरी बात सुनो, ये दवाई कुछ इस तरीके की है, अगर किसी को चोट लगी हो और वहाँ पर कोई निशान बन गया हो और वो कितना भी पुराना हो, चाहे चोट कितनी ही नई क्यों ना हो, नई पुरानी सभी तरीके की पुरानी चोटों का जो निशान बन जाता है उन सभी का ये एक मामूली इलाज, इससे वो सारे के सारे निशान चले जाएंगे और जाने के बाद कभी भी दिखाई नहीं देंगे। और ये बात सुन के जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो कहने लगती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, और आपका जो एटीट्यूड है वो मैं कैसे मान लूँ कि आपने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे निशान चले जाए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, इसका सबूत तो देना होगा ना। और ये बात सुन के जो हमारा जो चेन होता है वो कहने लगता है कि यार ये लड़की जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है उससे ज़्यादा तो ये माल धमाल है। और उसके बाद हमारी सेक्रेटरी का हमारा ज्यूंग चैन बोले तो गाला पकड़ता है और उसको सोफे पे गिरा लेता है, और जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो कहने लगती है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। और ये बात सुन के जो हमारा ज्यूंग होता है वो उसकी स्कर्ट को ऊपर हटाता है और वहाँ पर एक निशान निकलता है, और उस निशान को देखते हुए बोलने लगता है तो चलिए गाइस
इस निशान को सफाया करते हैं और उसके ऊपर कहने लगता है कि यार देखो तुम्हारे पास एक दाग है, बोले तो एक निशान है, इसको मैं हटा सकता हूँ और उसके लिए दवाई लगानी पड़ेगी ना। और ये बात सुन के जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो कहने लगती है कि आपको कैसे पता लगा कि मेरे पास एक दाग है, बोले तो एक निशान है और वो भी मेरे कपड़े के नीचे, स्कर्ट के नीचे है। अब ये बात सुन के जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है कि आपको नहीं पता कि मुझे क्या क्या नहीं पता, और वो कहने लगता है कि मिस आपका ये जो निशान है ये इस दवाई से हट जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर, आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं और हट गया निशान तो आपको मुझे इसके बदले कुछ ना कुछ तो देना होगा। और ये बात सुन के जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो अंदर ही अंदर कुछ समझने लगती है और तुम लोग भी समझ गए होगे क्या मांगने की बहुत चल रही है। और जो हमारा जीव होता है वो कहने लगता है कि यार ठीक है अब जो भी तुम समझ गए वही समझ लो, मुझे वही चीज़ चाहिए। और ये बात सुन के जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो कहने लगती है कि मैं कुछ नहीं समझ रही, मैं तो बस कुछ और समझ रही थी और तुम गलत मतलब मत ले जाओ इसका। अब ये बात सुन के जो हमारा जीव चेन होता है वो कुछ नहीं बोलता और कहने लगता है कि छोटी बहना, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि चाइना में अपने से छोटे को बहना ब्रदर सिस्टर क्यों बोल देते हैं पर बोल देते हैं यार। तो वो बात क्या है कि कहने लगता है कि आपका निशान मैं इस दवाई से हटा दूंगा और ये देखिए। और वो उस निशान से जब दवाई डालता है तो हमारी सेक्रेटरी के पैर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने लगती है और वो आवाज़ कुछ ऐसी है जो मैं तुम्हें सुना नहीं सकता तो समझ जाना। और कुछ ही देर के अंदर वो जो निशान होता है वहाँ से गायब हो जाता है, बोले तो गेम फिनिश। और ये चीज़ देखिए हमारा जो चेयरमैन होता है वो हमारे सेक्रेटरी के पैर की तरफ देखता है और कहने लगता है यार ये तो सच में गायब हो गया। अब ये बात सुन के जो हमारे जो चेन होता है वो भी कहने लगता है कि यार तुमको क्या लगा मैं क्या फेंक रहा हूँ लंबी लंबी, अब मैंने तुम्हारा निशान तो हटा दिया, अब इसके बदले मुझे छोटी बहना कुछ दे तो अभी मेरे को फिर समझ में नहीं आया इसने बहन क्यों बोला पर बोल दिया। तो वो कहने लगता है कि यार मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, और कुछ का मतलब हमारा चेयरमैन भी समझ गया होता है और वो दूसरी तरफ मुंह फेर के खड़ा बोले तो बैठ जाता है और कहने लगता है मैं कुछ नहीं देखूंगा तुम्हें जो करना है तुम वो सब कर सकते हो। अब ये बात सुन के जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो कहने लगते हैं चेयरमैन महोदय आप कृपया मेरे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब वो तो कुछ नहीं कहता पर जो हमारी सेक्रेटरी होती है उसको भी मूड चढ़ गया होता है, अब समझ जाना मैं क्या बोलने वाला हूँ। और कुछ ही देर में वो भी मुंह खोल के खड़ी हो जाती है और जो हमारी चेन जियोंग होता है वो भी लिफ्ट लिफ्ट के सो जाता है और कुछ ही देर के अंदर दोनों शर्माने लगते हैं। अभी शर्माना क्या हो तो गया ना। तो कुछ ही देर के अंदर हमारा जो चेन जियोंग होता है वो कहने लगता है कि यार चलो ठीक है अब आपने इसकी टेस्टिंग तो देख ली और आपको पता भी लग गया, पर अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हुआ है तो आप कुछ और लोगों पे भी इसका ट्राई कर सकते हैं। अब ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो कहने लगता है नहीं नहीं मुझे आप पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अपने आप से ज़्यादा यकीन है, पर लेकिन आप मुझे ये बताइए पर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता ना, मुझे आप ये बताइए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। और ये कहते हुए हमारा जो चेन जियोंग होता है वो कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते, चलो ठीक है नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी जगह नहीं रहना जो लोग मेरे साथ काम नहीं कर सकते और मैं आपको ये दवाई भी नहीं बेचूंगा। अब ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो भी शॉक हो गया होता है और हमारा जो चेन जियोंग होता है वहाँ से चले जाता है और कहने लगता है भूल जाना भी इस दवाई को, ये दवाई तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली अब। और ये बात सुन के जो अगले सीन दिखाया जाता है हमारे जो क्या कहते हैं गु होती है वो आ जाती है वहाँ पर और कहने लगती है रुक जाओ वहीं पर, अगर भागने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। अब ये चीज़ देख के फिर से वो कहने लगती है कि आपने जिस दवाई का अभी यूज़ किया है वो हमारे गु परिवार की है, बोले तो गु ग्रुप की है, और आपने हमारी जानकारी को किसी और को सेल करने की कोशिश करी है, उसके बदले आपको अब जेल हो सकती है और मैं आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दूंगी, पहला ऑप्शन कि आप इस दवाई को हमें वापस दे दीजिए और दूसरा ऑप्शन वरना पुलिस आएगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा बजाएगी और उसके बाद हमारी दवाई हमें मिल जाएगी। और वो कहने लगते हैं कि अगर आपने फिर भी कुछ नहीं किया तो हमारे साथ हमारे गु परिवार के महान वकील हैं जो आपकी वॉट लगा देंगे। और जो हमारा वकील होता है वो भी अपने चश्मे को ऊपर करते हुए हमारे चेन से कहने लगता है कि अगर आपने हम अपनी जान बचाना चाहते हो, बोले तो 10-20 साल की जेल नहीं होने चाहते हो तो वापस दे दो हमारी ये दवाई। और हमारा जो चेन जियोंग होता है वो कहने लगता है, फिर इसका चेन नाम आ जाता है तो यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ठीक है। तो जो हमारा जियोंग होता है वो कहने लगता है कि यार गु परिवार वालों तुम कितने ज़्यादा कुत्ते हो, अभी कुत्तों की तरह ही तुम फिर यहाँ पर आ गए मेरे को सूंघते हुए। और ये बात सुन के जो हमारी जो गु होती है वो कहने लगती है
तू क्या पागल वागल है क्या? तुझे पता नहीं मैं अभी भी तेरे से शादी करी हुई हूँ? बोले तो मैं तेरी वाइफ हूँ, और तूने हमारे गु परिवार की चीज़ों को चोरी किया है, तो शांति से उसको वापस दे दे, वरना तेरे साथ क्या होगा तुझे तो मैंने बता दिया है। और तेरे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके साथ क्या होगा तू ये भी सोच ले, तो गलत फहमी में रहने का नहीं। और ये बात सुनकर जो अगला सीन दिखाया जाता है, हमारी सेक्रेटरी का जो कहने लगती है कि ये आपने दवाई चोरी की है और आप चोरी की दवाई हमें बेचने को आए हो। और ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो भी कहने लगता है कि जुंग चैन मुझे ऐसा सोचने में भी लगता नहीं है कि आपने चोरी करी होगी, पर आपने चोरी करी है क्या? और ये बात सुन के हमका अलग सीन दिखाया जाता है, हमारी जो गू होती है वो कहने लगती है हाँ भाई उसने चोरी करी है, और ये इतने ज़्यादा चोरी का बड़ा सामान है कि इसको तो जेल तो करवाई बिना मैं छोड़ूंगी नहीं, पर मैं इसको एक मौका और दूंगी, और ये पकड़ मेरा क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर है 5,00,000 युआन जो तू अपने परिवार के साथ शांति से अपनी ज़िंदगी काट सकता है, और ले और लेकर और दवाई की रेसिपी दे। और अगले सीन में जो हमारा चेन जियोंग होता है वो भी इस कार्ड को पकड़ लेता है और कहने लगता है गु परिवार वालों ये जो तुमने अपनी कुतिया बन के जो कमाई करवाई है ये इस कमाई का मुझे कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए, और बोले तो मैं तुम्हें अपनी दवाई भी नहीं भेजूंगा, कुत्ती है तो कुत्ती। और हमारे गु के मुँह पर ही बोल देता है हमारा जियोंग की तू कुत्ती है, और ये बात सुन के वो गुस्से में आ जाती है, और उसको गुस्से में देख के हमारा जो जिंग होता है वो कहने लगता है अगर तू कह रही है कि मैंने तेरी दवाई को चुराया है तो मेरे को तू तेरे पास तो पहले से भी रेसिपी पड़ी होगी ना, तेरे किसी ने बनाई होगी, तो उससे पूछ रेसिपी क्या है और फिर मेरी रेसिपी चेक करियो तो कैसा लगा मेरा प्लान। तो ये बात सुन के जो हमारी वो कुत्ती होती है बोले तो गु वो कहने लगती है कुछ कह ही नहीं पाती, पर अगले सीन में हमारा जो वकील होता है वो बोलने लगता है कि मिस गु कि आप इस मूर्ख की बात क्यों सुन रहे हो, हम तुरंत पुलिस को फ़ोन करती हैं और इसकी वॉट लगाती है ना। फिर हमारा जो चेन जुंग होता है वो कहने लगता है हाँ लगा मैं भी जेल जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को भी मैं एक बात बता दूँ, अगर मैं झूठा नहीं निकला तो मैं तुम्हारी गंद मचा के रख दूंगा, और तेरे को वैसे भी गंद की बीमारी है। बोले तो अब तुम समझ जाना इसमें गंद मतलब बोले तो इसको मतलब इसका बच्चा नहीं हो सकता वो वाली बीमारी है इसको, और इस बीमारी को हमारा जो जुंग होता है वो कहने लगता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, अगर तुझको ठीक करवानी है तो ये जो झूठा केस लग रहा है इसको रफा दफा कर। और ये बात सुन के जो हमारी गु होती है वो कहने लगती है आप कहना क्या चाह रहे हो, और ये बात सुन के हमारा जो जुंग होता है वो हमारे वकील की तरफ पॉइंट आउट करते हुए चिल्ला के बोलने लगता है कि इसको गुर्दे की बीमारी है। बोले तो इसका बच्चा नहीं हो सकता, अभी मेरे को पता नहीं गुर्दे का बीमारी चाइना में क्या होता है पर बच्चा नहीं होता, मेरे को तो यही लगता है ठीक है वो वाली। अब ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो भी कहने लगता है कि यार क्या इसको गुर्दे की बीमारी इसका बच्चा नहीं हो सकता, और ये बात सुन के हमारा जो चेयरमैन होता है वो कहने लगता है क्या इस दवाई से ठीक हो सकता है, तो इसको ठीक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बीमारी को कैसे ठीक करा जाता है इसी गंदी बीमारियों को। देखिए हमने चैप्टर 4 की एंडिंग के अंदर देखा था जो हमारा जियोंग था उसने बोला था कि भाई इस बंदे को वकील को ना हमारे को गंद की बीमारी है, तो मैं इसको गंद नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं इसको बवासीर बोल दूंगा। तो बोलने लगता है हमारा जियोंग में कि इसकी बवासीर को अपनी बनाई हुई दवाई से ठीक कर सकता हूँ, और ये बात सुन के वहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो कहने लगता है कि आपका मिस गु कि आप सचमुच इस बंदे का इंतजार करने वाले हो जियोंग का कि ये दवाई बना के लाएगा और वकील की दवाई बीमारी को बवासीर को ठीक कर देगा, पर जो हमारा वो वकील होता है वो भी इंतजार करने को रेडी हो जाता है क्योंकि भाई उसको भी अपनी बवासीर ठीक करवाने का होता है। और कुछ ही देरी के अंदर जो हमारा चेंग होता है वो कहने लगता है कि मेरी जो दवाई है वो बन चुकी है, अब इसको यूज़ करने का समय आ चुका है, और वो उस वकील के कंधे पर हाथ रखता है और उसका मुँह खुला है और उसके अंदर वो दवाई डाल देता है जो अभी उसने बनाई होती है और उससे बोल देता है कि भाई इसको पी जा। पर जो हमारा वो वकील होता है वो अपना गला पकड़ के बैठ जाता है जमीन पे और कहने लगता है कि इस पागल बेवकूफ आदमी ने मुझे क्या पिला दिया, कहीं इसने मुझे जहर तो नहीं पिला दिया। पर जो हमारा जियोंग होता है उसे कहने लगता है कि साले चिंता मत ना कर, मैंने तुझे जहर वहर कुछ नहीं पिलाया, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि लोगों के सामने तेरे को मारूंगा। पर कुछ ही देर के अंदर हमारे जियोंग की जो दवाई होती है उसका असर उस वकील के ऊपर दिखाई देने लगता है, जैसे कि उसकी जिस जगह पे कमी होती है वहां से धुआं छूटने लगता है, और वो ये चीज देखे वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये सच में दवाई ने तो इसकी बीमारी को लगता है ठीक ही कर दिया है। अभी भाई मेरे को ये बताओ कि चेयरमैन क्या इसकी वहां पर घुस गया था जो इसको पता लग गया कि दवाई से ठीक हो गई वो चीज। पर इतनी देरी में जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है कि इसके बारे में तुम क्यों कुतिया क्या बोलोगे, बोले तो गु तुम्हारा गु परिवार ने भी इसको बनाया
है और मैंने इसको चोरी कराया ना, अब ये भी कह दो तुम। पर जो हमारी गु होती है वो कहने लगती है, जियोंग चैन तुम अब की बार बच गए, पर इसका मतलब ये नहीं तुम हर बार मेरे से जीतोगे और बच जाओगे। कभी ना कभी तो तुमको भी मेरे से कुछ ना कुछ तो मतलब बनेगा, तभी मैं तुमको दिखाऊंगी। पर जो हमारा चियोंग होता है वो कहने लगता है, चल भी साली निकल फूट यहाँ से, तू एक कुत्ती है और कुत्ती ही बनी रहेगी, देखते जा तुझे तेरे साथ अभी मैं क्या करने वाला हूँ। अगर तू मेरे से लड़ने के लिए बंदे भेजेगी तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर वो हमारी गु होती है वहाँ से ढूंढ के मारते हुए चली जाती है और पीछे से कहने लगती है, चलो वकील यहाँ से, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवा दी। पर जो हमारा वकील होता है वो अपनी उसी मेन पार्ट को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि मेरे लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। पर अगले सीन में जो हमारा जियोंग होता है वो भी कहने लगता है कि यार ये जो गु है ये कुत्ती है और इसने मुझे बेवकूफ़ कहा है सब लोगों के सामने, मेरी साले यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है। और इतनी देरी में जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो हमारे जियोंग के को पकड़ लेती है और गले लगा लेती है पीछे से और कहने लगती है कि यार मेरे को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और मेरे को बस थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी कि आपने वो दवाई चोरी करी है। तभी जो हमारा चेयरमैन होता है वो कहने लगता है हमारे जियोंग से कि यार मेरी उस टाइम आँखें फूट गई थी जो मैं आपकी सच्चाई को नहीं देख पा रहा था, तो यार मेरे को उसके लिए माफ़ करना, हम लोग थोड़ी बिजनेस की बात कर लेंगे अभी। पर जो हमारा जियोंग होता है वो कहने लगता है कि साले मेरे को तेरे साथ कुछ भी नहीं करने का है, अभी अभी सब कुछ कैंसिल है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो कहने लगता है कि यार तुम यार जा रहे हो पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अपनी दवाई को मेरे को बेच दो, तुम चाहे कितना भी उसका दाम लगा दो, मैं सब अफोर्ड करके तुमसे ही वो दवाई खरीदूंगा। पर हमारा जो जियोंग होता है वो कहने लगता है, अबे साले अभी शांत हो जा वरना मैं तुझे यहीं पर मारना शुरू कर दूंगा। और तूने मेरे को मुझे क्या पागल समझ रखा है कि मैं यहाँ पर समझ नहीं सकता कि वहाँ पर मेरी जो गु परिवार बोले तो मेरी जो मंगेतर है वो सॉरी मेरी वाइफ है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है और उसको कैसे पता लग सकता है कि मैं यहाँ पर एक दवाई बेचने को आया हूँ। मुझे पागल मत समझ, तूने उसको फ़ोन किया था मैं सब समझ रहा हूँ, और तू समझ ये मत समझ आप से तेरे बीच में मेरे बीच में दुश्मनी हो गई है, दोस्त का नाम तो तू छोड़ ही दे। और ये बात सुन के जो हमारा चेयरमैन होता है वो कहने लगता है कि यार मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ गया। पर हमारा जो चेयरमैन होता है वो फिर से हमारे जियोंग को बोली वाली पट्टी पढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि यार एक दोस्ती के नाते यहाँ पर रुक जाओ और वो दवाई मेरे को सेल कर दो और हमको आगे भी तो बिजनेस करना है ना, तो मैं ऐसे जाओगे तो कैसे काम चलेगा। पर जो हमारा जियोंग होता है वो उसकी कुछ बात नहीं सुन रहा होता है और वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। पर हमारा जो चेयरमैन होता है वो अभी भी हमारे जियोंग का पीछा कर रहा होता है और कहने लगता है कि भविष्य में हम लोगों को दोस्ती बना के रखना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगा, दवाई मेरे को बेच दो। पर इतनी देरी में एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका मैं नाम बोल रही हूँ, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने शायद इसका नाम बताया था बट अभी मेरे को याद नहीं है तो मैं इसको बंदा बोल दूंगा। तो ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि देखो यार वो बेवकूफ आ गया है, अभी उसको मारना शुरू कर दो और मैं उसको अपनी आंखों से मारते हुए पिटते हुए देखना चाहता हूँ। पर जब वो लोग ध्यान से देखते हैं कि हमारे जियोंग के पीछे तो चेयरमैन भी आ रहा है और उसको देख के उन सबकी फट गई होती है। पर इतनी देर में हमारा जो चेयरमैन होता है वो आता है और उस बंदे में एक लाफा लगाता है और कहने लगता है, अंधे कुत्ते तेरी वजह से हमारे जो गेस्ट है वो नाराज हो गए हैं और अब वो छोड़ के जा रहे हैं हमारी कंपनी को, अब तुझे मैं पीटूंगा। मूर्ख आदमी तू पागल बोलता है हमारे मेहमान को, अभी मेरे को ये बताओ इसने यहाँ पर पार्टी बदल दी, चेयरमैन ने गुस्सा निकालने के लिए अपने बंदे को पीटने लग रहा है यहाँ पर, इसको पता नहीं क्या है यार कैसे ही होता है काम यहाँ पर। पर जो हमारा जियोंग होता है वहाँ से निकल जाता है और पीछे वाले बंदे बोले तो चेयरमैन की बात सुन रहे होता है, कहने लगता है चेयरमैन हमारा कि तेरी वजह से आज मुझे लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का बोले तो। पर हमें अगला सीन दिखाया जाता है हमारा जियोंग का जो कहीं पर आके कुर्सी पर बोले तो क्या कहते हैं इसको, मेरे को पता नहीं बेंच सी होती है उस पर बैठा हुआ होता है और कहने लगता है कि यार मैं फैंग ग्रुप बोले तो फैंग ग्रुप से बाहर आने के बाद जो चेयरमैन के पास से आने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में गया पर किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं करा, इनफैक्ट किसी ने मुझे अंदर घुसने से ही मना कर दिया। पर कुछ देर के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और हार नहीं मानते मानते मैं रोड के किनारे बैठ गया और वहाँ पर अपनी दवाई को बेचने लगा। पर इतनी देरी में जो गु परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस को फ़ोन मिला दिया और पुलिस मेरे पास आके कहने लगी कि यार यहाँ से ये दवाई ववाई हटाओ, ऐसी दवाई बेचना मना है हमारे यहाँ पर, और मैं वहाँ से भाग आता हूँ और भागने के बाद मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ। अभी मैं क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को मेरे घर का 3 लाख यूएन का कर्जा भी फ्री करवाना है बट मैं कैसे करवाऊँ। पर जो इतनी देर हमारा जो जियोंग होता है वो टीवी में देखता है, किसी कंपनी की टीवी होती है उसमें देखता है किसी लड़की का सीन और ये जो लड़की है शहर के नंबर वन संप्रतिक ग्रुप बोले तो ग्रुप है नंबर वन उसकी उस बंदे की बेटी है जिसका नाम मिस म्यू स्यू है, तो मैं इसको म्यू बोल दूंगा। और ये अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके आई है और ये आज
गुजरात आने वाली है यहाँ पर, ये बात हमारा जुंग भी सुनता है और कहने लगता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये यहाँ पर आ रही है तो मुझे इसको अपनी पार्टी में लेना होगा। मैं कैसे लूँगा, मेरे को प्लानिंग से करना पड़ेगा और प्लानिंग मेरे को अभी बनानी पड़ेगी क्योंकि बाद में मेरे को समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीछे कुछ कुत्ते खड़े हैं और जो मेरे को देख रहे हैं इतनी देर से, और उनका मैं वाट लगा दूंगा। बट उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अपनी वाइफ ही बना लूँगा क्योंकि समझ जाओ मेरे को वाइफ की जरूरत पड़ेगी, और वाइफ बना लूँगा मैं इसको अपनी। और फिर कहने लगता है आप साले बहुत देर होगी, तुम लोग मेरी बहुत देर से बात सुन रहे हो, अभी सामने को आ जाओ मेरे, वरना एक एक का टकला फोड़ दूंगा खून निकालते निकालते। और ये बात सुन के हमारे वो जो टकले वकले बंदे होते हैं वो आ जाते हैं बाहर, और येलो वाल वाला बंदा और ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाल वाले वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि जियोंग चैन आपके पास जो औषधि दी है वो हमारे गु परिवार की है, आपको मैं 3 सेकंड दूंगा, जल्दी से हमारी दवाई वापस दे दो वरना आपके साथ जो होने वाला है उसके लिए हमें माफ़ करना। तभी येलो वाल वाला बंदा वो कहने लगता है मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत गंदी तरीके से मारेगा, आपको जल्दी से दवाई दे दो। पर इतनी देरी में उसी के मुँह पर हमारा जो जियोंग होता है एक धर के पंच देता है जिसके कारण वो आसमान में उड़ जाता है, और ये चीज़ देख के दो पीछे टकले बंदे होते हैं ये दोनों भी शोक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये क्या दिया तुमने। पर इतनी देर में हमारा जो जियोंग होता है उन बंदों से कहने लगता है कि वापस चले जाओ अपने गु परिवार से कह देना उन्हें हगक के बहुत गंदगी फैला दी है उसको सफा कर दें वरना मैं वहां पर आके बहुत मारूंगा उनको। और ये बात सुन के जो हमारे वो दोनों बंदे होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि तुम यहां पर शेख ही मत दिखाओ, कुछ ही देर के अंदर अगर हमारे गु परिवार के बंदे आएंगे तुम्हारी वॉच लगा देंगे, इंतजार करो बस यहां पर। पर जो हमारा जियोंग होता है वो वहीं पर बैठ जाता है और अपनी माना पावर को इधर उधर फैलाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने प्लानिंग तो कर ली है कि किस तरीके से मेरे को अपनी पार्टी में उसको लाने का है, पर मेरे को पहले उसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो किस तरह मेरे को अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। और वो पूरे सिटी के अंदर अपनी माना पावर को सर्चिंग के लिए डाल देता है और चारों तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि यार भविष्य यार कितना ज़्यादा ब्राइट है, मेरे को मेरा दिख रहा है और ये जो पावर्स हैं ये मुझे भगवान की देन है, मैं इसका अच्छे से यूज़ करूंगा। तभी वो एक अजीब सी एरिया में पहुँच जाता है जिसको रेड लाइट एरिया ही बोलते हैं, वहाँ पर देखने लगता है पब में कुछ लोग मजे मस्ती कर रही होती हैं और उनको भी ढूंढ देख रहे होता है। पर कुछ ही देरी के अंदर रोड पे भी अपनी माना फैला देता है और तभी उसको दिखती है वही मियो और कहने लगता है ये रही वो लड़की, और कहने लगता है अब तुम मेरे को मिल गई हो तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। और वो अगली सीन में दिखाया जाता है हमारा जो जियोंग होता है वो हमारी मियो की गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे टक्कर खा जाता है और रोड के किनारे पर आके गिरता है और कहने लगता है अरे मैया री मुझे मार दिया, कोई मेरी मदद करो, इन लोगों ने मेरे को टक्कर मार दिया, अभी मैं क्या करूं। तभी कुछ वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग कहने लगते हैं कि यार किसी ने लग्जरियस गाड़ी से किसी बंदे को टक्कर मार दिया, अभी क्या हो गया इस बंदे को। तभी कुछ बंदे आते हैं भाग के, वो कहने लगते हैं कि यार हमारे पास दवाई है, हट जाओ यहां से, हम इसको दवाई लगा देंगे, अब घबराने की कोई बात नहीं। पर जो हमारा जियोंग होता है वो खड़े हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे को टक्कर मार दी है, अब इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। और यहां पर हमारा ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, टाटा बाय बाय।